किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम में हायर रैंक लाने के लिए जो करना है आपको वो तो जरूरी है ही वहाँ पे, बट जो नहीं करना है वो ज़्यादा जरूरी है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। एक कमेंट आ गई थी चैनल पे कि आई थिंक मयूरी ने पूछा था कि क्या हम लोग सीटी में आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं। तो इससे मेरे दिमाग में आइडिया आया कि भाई चलो हम लोग स्ट्रेटजी बना देते एक, है ना। ख्याली पुलाव बनाना तो बहुत आसान है, तो आज हम लोग ख्याली पुलाव बनाने वाले हैं कि 100 मार्क्स कैसे लाया जाए। अब इस पुलाव को आपको असलियत में लाना है, ठीक है। हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन सीटी, ऐसी बढ़िया बढ़िया टिप्स आज आपको मैं देने वाला हूँ कि आप लोग आसानी से 100 मार्क्स स्कोर कर जाओगे। सबसे पहला जो सवाल उन्होंने पूछा था उसका जवाब दे देता हूँ कि क्या ये पॉसिबल है 100 मार्क्स स्कोर करना। तो यस, ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिखना है कि जानबूझ के एक नंबर काट लें, लेटर नहीं लिखना है जानबूझ के एक नंबर काट लें ताकि 99 मिल जाए, है ना। जैसे मतलब अभी राइटिंग स्किल वगैरह में आपको ऐसे ही मार्क्स कटते थे, जब हमें 90+ मिलते हैं तो वहाँ पे पेपर दोबारा चेक होता है और वहाँ पे आधे आधे मार्क्स काटे जाते हैं। तो ये वैसा तो है नहीं, यहाँ पे आपको डायरेक्टली या तो 1 मार्क्स मिलेगा या तो 0 मार्क्स मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 100 मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल है। पॉसिबल तो है, बट इसको हम लोग सच्ची में कैसे करें। आप लोग देखना, अगर सीईटी का एग्ज़ाम हुआ ना, बहुत बच्चे 100 मार्क्स लाएंगे। मैं आज बोल देता हूँ, अगर सीईटी का एग्ज़ाम हुआ बहुत लोग 100 मार्क्स लाने वाले, लिख के ले लो, ठीक है। और वो कैसे होगा वो हम बताएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि अगली प्रैक्टिस आप कब लेने वाले हो। देखो 100 MCQs है, हलवा तो है नहीं कितना जल्दी बन जाएंगे, है ना। तो MCQs मैं बनाते रहता हूँ, टेंशन मत लो। अभी जैसे रिसेंटली मैं बना रहा हूँ एक और बार, तो हफ्ते में मैं 2 बार आऊँगा। एक बार संडे को तो फिक्स रहेगा, बाकी बीच में किसी एक दिन मैं ज़रूर आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग रिमाइंडर लगा के रख लिया करिए जब मैं मतलब बोलूँ कि कल लाइव आने वाला हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले 100 मार्क्स सीटी में कैसे लाए, क्या करना चाहिए 100 मार्क्स ला के। देखो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में हायर रैंक लाने के लिए वहाँ पे ये नहीं ज़रूरी होता कि आपको करना क्या है। जो करना है आपको वो तो ज़रूरी है ही वहाँ पे, बट जो नहीं करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। जो करना है वो ज़रूरी है, बट जो नहीं करना है वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीईटी एग्ज़ाम में आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, कुछ लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सीईटी और 11 दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं, सीईटी और 11th, ठीक है। तो अभी ऐसा ज़माना नहीं है कि आप 2 बोट में पैर रखो और बोट चली भी जाए, ऐसा नहीं होने वाला है अब, ठीक है। पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है, बोट वोट लेके सब कुछ एकदम बीच में फंस जाओगे फिर, ठीक है। तो सीईटी और 11 दोनों लेके मत चलना अगर तुम्हें 100 मार्क्स लाना है तो। दूसरी गलती, टेक्स्ट बुक रीडिंग। कुछ लोग मतलब क्या कर रहे हैं कि जैसे डाइजेस्ट खोल ली उसमें से एमसीक्यू रटने लग गए, क्वेश्चन बैंक खोल लिया उसमें से एमसीक्यू रटने लग गए, या फिर वीडियोस चालू कर दिए उसमें से एमसीक्यूज रटने लग गए, ऐसा नहीं करना है। टेक्स्ट बुक रीडिंग इज मस्ट। जिसने टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं की मैं लिख के दे देता हूँ, उसका 100 क्या 90 भी नहीं क्रॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 खतरे हैं, एक है साइंस और दूसरा है सोशल साइंस। क्या पता उन लोग सोशल साइंस के सारे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज ना दें, उनके ऊपर है ना। उनको पता है कि स्टूडेंट इंग्लिश और मैथ्स में एकदम अच्छा स्कोर करने वाला है क्योंकि एमसीक्यू है, तो उनको साइंस और सोशल साइंस में चलो फंसाते हैं। ज़्यादा लोग 100 मार्क्स लाएंगे तो वो भी तो अच्छा नहीं है, है ना। सब डॉक्टर ही बनेंगे तो फिर बाकी सारे लोगों का क्या होगा। तो यहाँ पे जो लोग साइंस को हल्के में ले रहे हैं उनको मैं बता दूं कि साइंस से जो 25 MCQ आएंगे उसमें से 15 से 16 MCQ टेक्स्ट बुक के अंदर से रहने वाले, चैप्टर के बीच से रहने वाले, जिनका आप नाम नहीं सुनोगे। आप आओगे घर पे बोलोगे अरे यार ये चैप्टर से आया था, अरे खोल दो, अरे यार यहाँ पे लिखा हुआ था ये चीज़, मैंने तो देखा ही नहीं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक रीडिंग मस्ट है। 15 से 16 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बीच में से आएगा। जब मैं लाइव आया था तो वहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे इनका इतना 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 मार्क्स आया, तो वहाँ पे मैंने देखा तो साइंस में ही सबके कम मार्क्स थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्स्ट बुक रीड नहीं की है। दूसरी गलती, सोशल साइंस में हमें लग रहा है और जहाँ तक 90% चांस भी है कि सारा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आएगा, एक्सरसाइज से ही आएगा, बट क्या पता उनका दिमाग घूमा और 10 से 15 क्वेश्चन या फिर 10 से 12 क्वेश्चन उन लोग टेक्स्ट बुक के अंदर से दे दे, चैप्टर के बीच में से कोई भी लाइन उठा के दे दे। कितने सारे एग्जाम्पल है वहाँ पे, मतलब 5वां चैप्टर आप खोल लो वहाँ पे कितनी सारी डेट्स दी हुई है, ये न्यूज़पेपर कब पब्लिश हुआ, ये न्यूज़पेपर पे कौन से टॉपिक्स थे, ज्ञानोदय में कौन से टॉपिक्स थे, है ना, बाल शास्त्री जांभेकर ने कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कहीं से भी बीच में से उठा कर लोग दे देंगे। चलो ये म्यूज़ियम कब बना था, इसकी डेट लिखो, ईयर लिखो, तो वो सारे क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो पाएंगे अगर आपने टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं की, समझे। तो यहाँ से अगर आपने टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं की तो समझ लेना आपका 80 क्रॉस हो सकता है, लक पे डिपेंडेंट है, बट 90 क्रॉस मुश्किल है फिर।
तीसरी गलती क्या नहीं करनी है आपको, डेली रिवीजन प्लस डेली टेस्ट। कुछ लोग मतलब क्या कर रहे हैं अभी, जैसे नया नया सीटी का नाम सुने हैं तो एकदम जोश में है, चलो मैं सीटी कर ही डालूंगा, दिन भर में 1000 MCQ सॉल्व कर डालूंगा। नहीं, उससे नहीं होगा। आप दिन में 1000 MCQ सॉल्व करोगे, उससे बेटर ये है कि आप 100-100 MCQ 10 दिन में करो, या 50-50 MCQ 10 दिन में करो, वो 500 MCQ इस 1000 MCQ से ज़्यादा बेटर रहेंगे। ठीक है, आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक लकड़हारा रहता है जो लगातार पेड़ काटते रहता है, और एक लकड़हारा पेड़ काट के थोड़ी सी धार करता है, फिर उसके बाद कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। तो जो धार करके काटता है उसका पेड़ पहले कट जाता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार काट ही जा रहा था, धार कर ही नहीं रहा था। तो एक ही दिन में 1000 MCQ सॉल्व करोगे कैसा होगा, एक ही दिन में 10 दिन का खाना खा लोगे, है ना। तो डेली टेस्ट आपको देते रहना। आप टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियोज़ का यूज़ कर सकते हो। जैसे वीडियो खोलो, वीडियोज़ अगर नहीं है आपके पास तो आप लोग टेक्स्ट बुक से डाइजेस्ट से दे सकते हो। मतलब डाइजेस्ट में सबसे पहले क्वेश्चन लिखे रहते हैं और फिर लास्ट में आंसर दिया रहता है। तो क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, उसका आंसर मार्क करो, उसके बाद लास्ट में आंसर चेक करो। 25-25-25-25 ऐसा टेस्ट देते जाओ। ठीक है, ग्रामर का रिवीजन करते रहना है आपको, ग्रामर का रिवीजन मस्ट है। अगर आपने ग्रामर का रिवीजन नहीं किया तो आप लोग फंस सकते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से फंस सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और बाकी सारी चीज़ों में। ठीक है, ग्रामर का रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके साथ साथ वोकैबुलरी मतलब मीनिंग वगैरह, सिनोनिम एंटोनिम ये सब ज़्यादा खतरनाक होता है, मुझे भी इसी से डर लगता था। ठीक है, थोड़ा लक ने साथ दे दिया कि जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए वो क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन बैंक में थे। मतलब एग्ज़ाम से पहले जो हम लोग जीवनदीप सॉल्व करते सैंपल पेपर वगैरह, तो जो वोकैबुलरी बोर्ड एग्ज़ाम में आया था वो क्वेश्चंस जीवनदीप में दिए हुए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा लक काम कर गया, वहाँ पे लक नहीं होता तो हम लोग वोकैबुलरी में फंस जाते, इंग्लिश में 2-3 मार्क्स कम हो सकते थे, 2 मार्क्स कम हो सकते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो, मैं बोलता हूँ ना, अगर आप इतना भी करते हो, टेक्स्ट बुक रीडिंग भी करते हो, आपका 100 मार्क्स आ सकता है। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी जरूरत सबको है वो है लक। लक की जरूरत सबको है, जिसके पास लक नहीं है ना उसका कुछ नहीं होने वाला है। अभी जैसे आपने सारे चैप्टर पढ़े बट आपने साइंस 1 का 10वां चैप्टर नहीं पढ़ा, उसको यूजलेस समझ लिया या फिर अच्छे से नहीं पढ़ा। कभी कभी होता है ना, हमें लगता है यार ये चैप्टर बेकार है, फिर भी मन में आता है यार पढ़ लेते, बेकार है तो भी। बट आपके मन में जो बेकार वाली इमेज छपी रहती है ना, उस इमेज के कारण आप चैप्टर को पढ़ के भी अच्छे से उसको नहीं पढ़ते हो। ठीक है, और पता चला उसी से 2-3 MCQ आ गए, वो भी खतरनाक वाले, तो फंस गए। तो यहाँ पे लक भी आपका थोड़ा काम करना चाहिए 100 मार्क्स पे। आपसे सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सिली मिस्टेक्स को बचा के रखना कि आपने आंसर सोचा बी और आंसर मार दिया सी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिली मिस्टेक्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। जैसे आपने यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ था 3x + 5y = 8, 5x + 3y = 0, आपसे बोला x + y की वैल्यू पता करो। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व किया, ये हो गया 8x + 8y = 8, आपने 8-8 से हर जगह डिवाइड किया तो x + y = 1, तो आंसर आ रहा है 1। ऑप्शन ए में दिया था 0, ऑप्शन बी में दिया था 1, ऑप्शन सी में दिया था 1/2, ऑप्शन डी में दिया था 2। तो आपने देखा यार बी ऑप्शन यहाँ पे हो रहा है, बट जब आप OMR शीट में मार्क करने गए तो वहाँ पे आपने सी मार्क कर दिया। अब एक बार आपने मार्क कर दिया तो गलती ये है कि ये ऑफलाइन टेस्ट है, कंप्यूटर पर नहीं है कि आप चेंज कर दो, तो चेंज नहीं कर सकते। तो ये सिली मिस्टेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज़ 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 अवॉइड करना, 2-3 बार चेक कर लेना। चौथी चीज़, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, स्पीड बना के रखनी है। मतलब मैथ्स का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के आएंगे, है ना, थ्योरी तो आएगी नहीं मैथमेटिक्स में। हाँ, 2-3 आ सकता है कि जैसे इंटरनली टच कर रहे तो कितना टेंजेंट बनेगा, ये वो फालतू फालतू चीज़ें आ सकती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा तो न्यूमेरिकल्स ही होंगे, 22-23 सम्स ही होंगे। तो उन सम्स को आपको तेज़ी से सॉल्व करना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको डिवोट करना है साइंस को। साइंस में मुझे पता है 2-3 आंसर्स होंगे जिसमें आप लोगों को लगेगा यार इसका आंसर क्या होगा, तुक्का जरूर मार देना, छोड़ के मत आना। ठीक है, अटेम्प्ट तो आपको 100 के 100 करने हैं। ठीक है, तो अगर आप टेक्स्ट बुक रीडिंग डेली करते हो और साथ ही में डेली रिवीजन डेली टेस्ट देते हो, ग्रामर वोकैबुलरी को डेली रिवाइज करते हो, सिली मिस्टेक्स पर काम करते हो, तो आप आराम से क्लियर कर ले जाओगे। अब जैसे मैं उस दिन लाइव आया था तो वहाँ पे मैंने पूछा एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो अब मैंने ऑप्शन दिया था 11.2 मीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर आर, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और एक ऑप्शन दिया था 22.4 किलोमीटर पर आर या ऐसा ही कुछ। ठीक है, वैल्यू तो यही थी, यूनिट का पता नहीं। तो सब लोगों ने डायरेक्टली पहला ऑप्शन देखा, मीटर पर सेकंड देखा ही नहीं, उन्होंने बोला ए ए ए ए ए, गलत हो गए। फिर उन्होंने यूनिट देखा, अच्छा किलोमीटर है, सब बोले बी बी बी, फिर से गलत हो गए, जबकि करेक्ट आंसर ये था किलोमीटर पर सेकंड। तो ये सारी सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आपसे, इसीलिए मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया था।
ठीक है, फिर से मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, टेंशन मतलब जहाँ पे आप भर भर के सिली मिस्टेक करो। चलिए फिर ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक, टेक्स्ट बुक रीडिंग मस्ट है, जिसने टेक्स्ट बुक रीडिंग कर ली ना वो अच्छे से स्कोर कर जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ पे गुस्सा हो रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो, सीईटी और 11 दोनों क्यों नहीं मैनेज कर सकते, हमें सीईटी भी करना है 11th को भी नहीं छोड़ना है। अरे 15 जुलाई को पेपर होने वाला है या 1 अगस्त को पेपर होने वाला है, मैंने अपनी स्टडीज़ स्टार्ट की थी सितंबर में और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना तो शुरू किया था जनवरी में, सच्ची में बताऊंगा आपको बाद में, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना मैंने शुरू किया था जनवरी में और मैथमेटिक्स वगैरह मैंने सितंबर में चालू किया था, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी लेट मैंने चालू किया था, मैक्सिमम स्टूडेंट वहीं से चालू करते, बात मानो मेरी, बोर्ड एग्ज़ाम जब ख़त्म होता है ना मैक्सिमम स्टूडेंट वहीं से चालू करते, जुलाई अगस्त तक एडमिशन जाता है, एडमिशन के बाद पूरी काउंसलिंग होती है, अच्छे से स्टूडेंट का नाम रोल नंबर सब कुछ डिसाइड होता है, सितंबर आ जाता है तब स्टडीज़ वो शुरू करते हैं, इसलिए 11th का पैटर्न भी आपका इजी दिया हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि 1 सितंबर तक अगर सीईटी का एग्ज़ाम हो जाता है तो आप लोग क्या करो, अभी सीईटी पर ही ध्यान दो। अब जो लोग बोल रहे हैं मुझे 11th करना ही है तो फिर सीईटी 2 ही घंटा पढ़ो, आपको फिर थोड़े से लक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करने जाओगे तो बारीकियों को अच्छे से समझना होगा आपको, खैर अब आपको चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है, 10वीं में कितना आसान था सब ऐसा लगेगा आपको, बट ज़रूरी नहीं है, जो भी हो अगर आपको दोनों करना है कर सकते हो, बट वहाँ पे थोड़ा सा आपको भारी पड़ सकता है, ठीक है। फिलहाल जिनको मतलब सिर्फ बोर्ड ही करना है तो मैं उनको बोलूँगा पूरा ध्यान दे दो सीईटी पे, निकाल लो 100 मार्क्स। बहुत लोगों ने बोला कि तेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो स्कोर नहीं कर पाया, ऐसा वैसा, दिखा दो 100 मार्क्स ले आके, 99 ले आ दो, 95 ले आ दो, देखेंगे, है ना। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग कई सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।